बांग्लादेश का नाम सुन के उनसे कोई अपनी सी फीलिंग आती है, क्योंकि जो हमारे साथ पहले हमारा हिस्सा थे 1971 में जो हमने उनके साथ किया, ये करना नहीं चाहता ये भुट्टो साहब को। ये फीलिंग आती है कि अपना हिस्सा था मुल्क का, उनकी भी कुर्बानी थी मुल्क बनाने में, और इस तरह चला गया हमारी अपनी ऐसी हरकतों की वजह से। हम जैसे फिश बहुत खाते हैं लोग। दादी बताया करती थी, क्योंकि दादी का ताल्लुक बांग्लादेश से था, क्योंकि माइग्रेट वहीं किया था, तो वो ज़्यादातर क्या नाम है फुटबॉल खेला करते हैं, वैसे कबड्डी है। Of course, why not? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, आज क्यों मौका एक दफ़ा मिले इंशाल्लाह। क्या आप तो आपको जल्दी खबर ही दें कि हम बांग्लादेश बैठे हुए। अस्सलामु अलैकुम, अपनारा कैमन आसन आशा कुरिशा भाई बालो आसिन आमी जुनेद अली अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल अमी अपना जुनो आगती वीडियो फ्लाई करते जाची सबाई देखबीन आशा कुरिशा भाई देखबीन बालो लगते। आज बात करने वाले हैं व्हाट पाकिस्तानी थिंग्स अबाउट बांग्लादेश कैंपस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद के स्टूडेंट बांग्लादेश के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं, क्या राय रखते हैं, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, 1 2 3 गो। बांग्लादेश के लिए कोई मैसेज? बांग्लादेश वालों के लिए यही मैसेज करेंगे कि जी हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और आप लोग किसी वक्त भी हमारा हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम आप हमारे दिलों में जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे आप लोग? बेहतरीन। दिस इज निकिबुल खान बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो, एंड टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट बांग्लादेश। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरा आवाम से पूछ के आता हूं जी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं, आप पाकिस्तान के बारे में बता दें जो बांग्लादेशी है और जो पाकिस्तानी है, जाते हैं कि वो बारे में बता दें। खाने के बहुत शौकीन है, तो वो नाम सुनते ही मुझे जो है वो उनके फेवरेट डिश याद आ जाता है, तो बेसिकली वही कि वो खाने के बहुत शौकीन है और उनका फेवरेट डिश है मच्छी, तो वो मछली जो है वो हमारी भी यहाँ पे बहुत लोग शौक से खाते हैं, तो वो वही चीज़ जो है जहन में आती है। एक इमर्जिंग कंट्री जो कि वक्त के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को उसकी इकोनॉमी ऊपर आ रही है, उसकी एजुकेशन इंडस्ट्रीज वक्त के साथ साथ वो ऊपर आ रहा है हमसे। बांग्लादेश का नाम सुन के उनसे कोई अपनी सी फीलिंग आती है, क्योंकि जो हमारे साथ पहले हमारा हिस्सा थे 1971 में जो हमने उनके साथ किया, ये करना नहीं चाहता ये भुट्टो साहब को, और अपना पानी फील होता है उनके साथ, और तो कुछ नहीं है। हाँ मतलब कि खूबसूरतों का मुल्क है। कुछ भी नहीं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं आता। और किसी वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन अब नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से यही मैं सबसे पहला जो मेरा ख्याल आता है यही कि बिछड़ गए हमसे। बांग्लादेश का नाम सुन के मेरे माइंड में एक क्रिकेट टीम आती है, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम आती है, और यही कि वंस अपॉन अ टाइम इट यूज्ड टू बी आवर पार्ट, बस दैट्स इट। बांग्लादेश का नाम सुन के आपके माइंड में क्या आता है? बांग्लादेश क्यों? बांग्लादेश को सुन के दोस्त मुल्क जो कि नहीं है लेकिन चलो। मेरे माइंड में उनकी ग्रोथ आती है, उनका एक जीडीपी जो है अब बूम कर रहा है, और उनकी जो इंडस्ट्री है वो मेरे ध्यान में होती है। ईस्ट पाकिस्तान वो एक कहावत ही ना एक टाइम में 2 टके वाली, बट मेरे माइंड में उससे यही आता है कि एक टाइम में हम इसको बुरा समझते थे बांग्लादेशियों ने, कि 2 टके का कोई चीज़ है या कमतर, और अब उस टके की वैल्यू हमारे रुपए से ज़्यादा है, तो इन अ वे प्रॉस्पेरिटी। बहुत ट्रॉपिकल लोग है, सी फूड लविंग है, सिंपल पीपल। पाकिस्तान का पार्ट था कि अब अलग हो गए। पॉलिटिशियन वही कि हमारे भाई जो हमसे अलग हो गया, मुल्क अलग बना लिया उन्होंने, लेकिन बिल्कुल जी हमारे भाई थे, मुसलमान थे सारे, ठीक है ना, हमारे साथ थे एक वक्त में, अब अलग हैं तो दुख होता है, काश के साथ होते तो स्ट्रेंथ होती, बस ही तो ये फीलिंग्स आती है कि अपना हिस्सा था मुल्क का, उनकी भी कुर्बानी थी मुल्क बनाने में, और इस तरह चला गया हमारी अपनी ऐसी हरकतों की वजह से। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है? शकीब अल हसन, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो एक स्लो लेफ्ट आर्मर हूँ, और वो भी एक लेफ्ट आर्मर है, वो भी लेफ्ट हैंड से खेलता है, मैं भी लेफ्ट हैंड से खेलता हूँ, तो मैं उसको बड़ा फॉलो करता हूँ, तो मुझे शकीब अल हसन बहुत अच्छा लगता है। मुशफिक रहमान, शकीब अल हसन अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है, अब देखें टॉप पे है। सैमी
डेरन सैमी कम ऑन यार, वो वेस्ट इंडीज के। और हाँ वो वेस्ट इंडीज के, नहीं मुझे याद नहीं, बांग्लादेश का। शाकिब अल हसन और मुशफिक उर रहीम। यार मेरे ख्याल से तमीम इकबाल जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। मुझे उनका जो है ना शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन बहुत बहुत अच्छा। क्यों? खेलता बहुत अच्छा है और बहुत डिसेंट प्लेयर है, इसलिए शाकिब अल हसन। क्यों? ज़्यादा लोग he seems a decent guy, he plays really good cricket और ऑल राउंडर बहुत अच्छा है। और तो बाकी as compared to बाकियों का I have watched him the most, तो इसी वजह से मुशफिकुर रहमान टिटू मेरे जैसा। यार मुस्तफ़ीज़ और रहीम है मेरे ख्याल में, लेफ्ट आर्म बॉलर है, नाम सही नहीं याद लेकिन है मुस्तफ़ीज़। नहीं आइडिया बिल्कुल है उनकी क्रिकेट टीम का, क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं इतना ज़्यादा। मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन। फॉर्मर कैप्टन जो थे शाकिब अल हसन, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। वो जो उनका कीपर है मुशफिकुर रहमान, मेरा ख्याल से वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। बांग्लादेश के फूड के बारे में आप क्या जानते हैं? बांग्लादेश के फूड के बारे में सच चावल ज़्यादा खाते हैं, बॉयल्ड राइस, और उसके बाद फिश, उनकी नेशनल फिश है प्रॉन्ट आई थिंक, उनकी नेशनल फिश है जो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको बांग्लादेश के फूड के बारे में क्या नॉलेज है? सॉरी फूड के बारे में। फूड बांग्लादेश के फूड के बारे में ये नॉलेज है कि वहाँ पर ज़्यादातर मछली खाई जाती है। नहीं पता उसका खाने का, नहीं पता बांग्लादेश खाना क्या, नो आइडिया, नहीं पता कुछ। यार वैसे तो कभी कुछ खाया तो नहीं है लेकिन सुना है कि उनके चावल जो हैं वो काफ़ी फेमस है, मतलब चावल बड़े शौक से खाते हैं वो लोग। फूड सुना है उनका वो मछली और राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यही सुना है। बांग्लादेशी फूड मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आई थिंक वहाँ की मछली काफ़ी फेमस है, फ़िश, और बाकी इतना ख़ास आइडिया नहीं। हम जैसे फिश बहुत खाते हैं वो लोग। यूँ कह सकते हैं कि मैंने सुना बहुत ज़्यादा है कि वो लोग मछली पसंद करते हैं। मैं कुछ खास नहीं जानता फूड के बारे में, मछली चावल दैट्स ऑल आई नो, मछली बहुत खाते हैं चावलों के साथ। फूड के बारे में हम मछली चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं, यही पता है। बांग्लादेश का नेशनल गेम कौन सा? एक मिनट सोचने दें मुझे इसके बारे में, शायद कबड्डी है मेरे ख्याल से। क्या बात है, कबड्डी मैंने सुना है, क्रिकेट या कबड्डी? कबड्डी कबड्डी नेशनल गेम, सॉरी नेशनल गेम उनका मुझे तो लगता है क्रिकेट, लेकिन नहीं कुछ और है, कबड्डी है आई थिंक सो। कबड्डी है, ठीक ठीक उनकी नेशनल गेम आई थिंक सो। हॉकी? हॉकी तो पाकिस्तान की है। नहीं क्रिकेट है। बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, कबड्डी है, कबड्डी। मैं बंगाली नहीं हूँ, मुझे क्या पता। नेशनल गेम उनका आई थिंक कबड्डी है। नेशनल गेम क्रिकेट, आई डोंट नो, कोई और गेस। हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश, कबड्डी। मुझे नहीं पता, बाकी नहीं पता, प्रॉबेबली क्रिकेट ही होगा, हॉकी मेरे ख्याल में क्रिकेट ही है, वो तो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, फ्लाइंग सॉकर, आई हैव नो आइडिया मैन, आई नो व्हाट दैट गेम। उनकी कबड्डी आई थिंक नेशनल गेम तो कबड्डी का है। कबड्डी नेशनल गेम, नो आइडिया, कोई गेस। हॉकी हमारा है, हॉकी हमारा है यार, एक वक्त में हमारे साथ है ना, तो मैंने कहा शायद वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी। नेशनल गेम दादी बताया करती थी, क्योंकि दादी का ताल्लुक बांग्लादेश से था, क्योंकि माइग्रेट वहीं किया था, तो वो ज़्यादातर क्या नाम है फुटबॉल खेला करते हैं, वैसे कबड्डी है। अगर आपको बांग्लादेश जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, कल्चरल, इफ आई वांट टू लर्न अबाउट देम एंड इट्स गुड टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान एंड गेट टू नो अदर कंट्रीज, अदर कल्चर, सो या आई वुड वांट टू नो कि कैसे थे वो लोग, एंड आई नो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बट स्टिल आई'ड लव दैट।
हाँ ज़रूर जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मतलब अच्छी बना रहे हैं। अगर एजुकेशन मतलब मेरी रिलेटेड फील्ड के मुतालिक वहाँ पर अच्छा यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन मिल जाता तो मैं ज़रूर जाऊँ। हाँ ज़रूर ज़रूर। और उनका वो जो फेवरेट फूड है जैसे मैंने पहले कहा जो मच्छी और वो राइस खाते हैं, राइस और मच्छी, वो दोनों ज़रूर मैं ट्राई करूँगा और ज़रूर जाना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों मौका एक दफ़ा मिले इंशाल्लाह। क्या आपको जल्दी खबरी दें कि हम बांग्लादेश बैठे हुए? हाँ ज़रूर। क्या करेंगे वहाँ पे? मैं क्रिकेट देखने जाऊँगी, मतलब कोई मैच देखने जाऊँगी क्रिकेट का। ज़रूर जाऊँगा मैं, मतलब अगर ज़री सी बात है हर जगह फिरना चाहिए इंसान को, पूरी दुनिया देखनी चाहिए, तो बांग्लादेश अगर मौका मिलता तो लाजमी। हाँ ज़रूर, क्योंकि नई जगह कोई भी हो एक्सप्लोर करना चाहिए इंसान को, जाना चाहिए, वहाँ का कल्चर देखना चाहिए और वहाँ की लोगों को देखना चाहिए। उसके अलावा वहाँ का माहौल कैसा है, कितने फ्रेंडली हैं। वैसे क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन वगैरह ने तो बहुत ज़्यादा एक क्रिएट किया हुआ है ना हाइप वगैरह, लेकिन जो रियलिटी है वो हमें वहाँ जा के ही पता चल सकती है, तो ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्योर श्योर, मैं तो बहुत अरसे से प्लान कर रहा हूँ क्योंकि एक बिज़नेस इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है और एक लेबर कॉस्ट वहाँ की बहुत कम है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं टू यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड, तो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं हमें। ऑब्वियसली देखेंगे कि पाकिस्तान पहला जो ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या चीज़ थी, देखने का तो बनने का होता। एब्सोल्युटली या क्यों यार, आई हर्ड वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ट्रॉपिकल सा वेदर है, आई वुड लाइक टू सी दैट। कल्चरली वहाँ पर एक नया फ्लेवर मिलेगा एंड आई वुड लाइक टू सी के व्हाट वन पार्ट ऑफ आवर पाकिस्तान जो एक टाइम में था वो कैसा होता था या कैसा है अब। यस, मैं विजिट करना चाहूँगा बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे है ना इस्लामाबाद और पिंडी, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत अर्बन क्लाइमेट है, वो रूरल सिटी बहुत है, ट्रॉपिकल, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट वगैरह है, वो मैं देखना चाहता हूँ। ज़रूर बिल्कुल जाएंगे। क्या करेंगे आप? हमारी दादी वहाँ पैदाई हैं, मेरे वालिद वहाँ की पैदाइश हैं, तो हम वहाँ जाके ना देखें हमारे बाप कहाँ पैदा हुए हैं, दादी कहाँ हैं। एनी मैसेज फॉर बांग्लादेश? A message for Bangladesh, yahi ke they are quite a good cricket team and I hope Pakistan aur Bangladesh other than cricket bhi bond kar sake and open up kar sake ek dusre ke sath. Bangladesh ke liye main yahi message dunga ki abhi jaise unhone recently unhone daura kiya tha Pakistan mein, and despite of ke bahut sare jo hai wo team jo hai abhi bhi deny kar rahi hai Pakistan aane ke liye cricket match khelne ke liye, to wo log aaye to unke liye unka main bahut shukriya ada karna chahta hu ki jis tarah se wo log aaye unhone jo hai wo pindi mein ek test मैच खेला, लाहौर में वनडे सीरीज़ खेली, एक T20 सीरीज़ खेली, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ में आता है और हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात है वो और अच्छे होने चाहिए और हमें उनको इनक्रेज करना चाहिए। ये मैसेज है कि वो उन लोगों के लिए हमारे अंदर नफरत बहुत है, तो नफरत ना करें क्योंकि हर लोग तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, तो जिस तरह के हम आपको जिस तरह समझते हैं आप भी हमें ऐसा ही समझें, इतना बुरे हम नहीं हैं, पाकिस्तानी अच्छे ही हैं। क्यूट होते हैं, क्यूट क्यूट से मासूम शक्लें होती हैं सबकी, और बस देयर ऑल आर सो क्यूट माशाल्लाह, दैट्स इट। बांग्लादेशियों खुश रहो, खुश रहने दो, कोरोना से बचो। मैसेज, हम खुद अभी सर्वाइविंग स्टेज में हैं तो किसी के लिए क्या मैसेज है, यही है कि बेस्ट ऑफ लक एंड हार्ड वर्क, अल्लाह ब्लेस यू। ट्राई बींग लेस एरोगेंट, और लेकिन एक बात अच्छी है बांग्लादेश में कि वो लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एरोगेंस हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बांग्लादेश के लिए आप हमारे भाई हैं, मुसलमान कंट्री हैं, अलग हो गए अलग बात है, लेकिन हमें आप पीस की तरह रहना चाहिए, मुसलमान कंट्री है साथ साथ रहना चाहिए, मिलकर हमें प्रॉस्पर करना चाहिए। डू गुड एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। तो बांग्लादेश के लिए कोई मैसेज? यानी पार्टी करो, दैट्स इट। उनको यही मैसेज है कि हमारे आपके बारे में कोई नेगेटिव व्यूज़ नहीं है, आप भले हमसे आज भी अलहदा हैं लेकिन हम आज भी आपको दिल के ठाकराइयों से प्यार करते हैं। बांग्लादेश वालों के लिए यही मैसेज करेंगे कि जी हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप लोग किसी वक्त भी हमारा हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम आप हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। जी लाइक शेयर और कमेंट, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, और यकीन जाने कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि 100% लोगों ने जितनी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार का इजहार किया, जिस तरीके से हर चीज़ का किसी न किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो बांग्लादेश के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो रखते हैं और बांग्लादेश के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाब बिल्कुल ठीक
ही तरीके से दी गई और क्या कमाल की नॉलेज है यार स्टूडेंट्स के। और बांग्लादेश के बारे में ज़्यादातर जो हमने देखा है तकरीबन 99% क्या 100% से ऊपर भी मार्क्स हो तो बिल्कुल राइट जो है ना वो पीसफुल तौर पर जवाब दिए हैं और कोई भी हीटेड जवाब नहीं दिए और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और प्यार का इजहार जो है वो इस वीडियो में हमें देखने को मिला है। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखती हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।